सात तरीके से हमारा जीवन बदल गया है इंटरनेट आने के बाद। गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है। हमने कुछ ऐसी चीज़ें पाई हैं जो पहले कुछ और था और आज की स्थिति में थोड़ा अलग है, या फिर कहें कि थोड़ी मॉडर्न हो चुकी हैं वो स्थितियाँ। चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी स्थितियाँ हैं जो पहले से अब में चेंज आ चुकी है, हमने कुछ जोड़ी है। अगर आपको भी इससे कुछ ज़्यादा मिलता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग बचपन में इंटरनेट का या फिर गैज का इस्तेमाल नहीं करते थे, उन्हें पता होगा कि पहले हमारे पेरेंट्स हमको बाहर जाने से खेलने से रोकते थे और बोलते थे कि टाइम पे आ जाना खेल के और ज़्यादा देर बाहर नहीं घूमना। लेकिन आज के बच्चे टीवी और गैजेट के साथ घर में रहना पसंद करते हैं और घर में ही वो अपना ज़्यादातर टाइम गेम के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन आज के पेरेंट्स उन्हें बाहर जाके खेलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि थोड़ी देर आप बाहर जाके खेलो पार्क में। ये स्थिति काफ़ी बदली है। पहले लोग किसी ट्रिप पर कैमरा लेके जाते थे दो पहाड़ों के बीच में, या फिर जंगलों में जिराफ की या फिर ऐसी हसीन वादियों की तस्वीरें खींचते थे और उन्हें लोगों को दिखाते थे और सब लोग बोलते थे वाह तुम कितनी अच्छी जगह पे गए हो, कितनी अच्छी जगह पे हो, तुम घूम के आ चुके हो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज लोग किसी बीच पे जाते हैं और फोटो खींचते हैं और फोटो खींच के उसे इंटरनेट पे किसी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करते हैं और लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं कि यार लगता है तुम वहाँ पर नहीं गए, ये पैर तुम्हारे साथ नहीं है, तुमने एडिट किया होगा। क्योंकि लोगों को आज काफ़ी ज़्यादा विश्वास नहीं है। सालों पहले आपको कुछ बेचना होता था तो आप न्यूज़पेपर में एड्स देते थे और लोग आपका नंबर एड्रेस लिखकर आपके ऑफिस आते थे, आपसे मिलते थे, बातें करते थे और उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में बातें करते थे, देखते थे और आप उनके साथ घुल मिल जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप फेसबुक पर क्लिक क्लिक क्लिक, बस तीन चार दिन में सब कुछ आपका बिक जाता है। किसने लिया, क्यों लिया, आपको नहीं पता, बस आपका बिक जाता है, उसको मिल भी जाता है। ये मॉडर्न ज़माने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि चेंज हुआ है। पहले जब कोई कुकिंग करता था तो उससे अगर कोई गलती हो रही है तो अपनी मम्मी से तुरंत बोलता था, मम्मी मुझे बताओ कि कैसे बनेगी, मम्मी मुझे बताओ, आप यहाँ पर खड़े रहकर बताओ कि कैसे बनेगा, इसमें गलती क्या है, क्या क्या इसमें ऐड करना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आप गूगल पर टैप करो और लिखो हाउ टू मेक और आ जाएगी आपके सामने पूरी रेसिपी। तो आज ये चेंज हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मम्मी से अच्छे हेल्प आज भी गूगल नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा नॉलेज गूगल के पास कभी नहीं हो सकती है। पहले रास्ते में आपको कोई फॉलो करता था, आपको इम्प्रेस करता था, आपसे मिलता था, जुलता था और इसके साथ आपको प्रपोज करता था और पार्टनर बना लेता था। लेकिन आज आपको कोई एक मैसेज करता है, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है, उसके बाद कुछ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट देता है और आप उसके साथ डेट भी जाते हो। इसके बाद एक दिन आपको पता चलता है कि वो इंसान तो यार काफ़ी ज़्यादा चेंज है, जैसे सोशल मीडिया पर दिखता है वैसे तो है ही नहीं, जैसे इसके कैप्शन रहते हैं और जैसे इसके बिहेवियर रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप कहते हो यार ये तो काफ़ी कुछ अंतर हो गया। तो ये मॉडर्न ज़माने में टेक्नोलॉजी के कारण आया हुआ चेंज है। पहले बिल्कुल साफ होता था कि जैसा इंसान दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही है और उसके साथ आप टाइम भी स्पेंड करते थे। लेकिन आजकल लोग टाइम स्पेंड करने ज़्यादा चैटिंग करने पर ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, तो इस कारण ऐसा हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बने रहिए ब्लैक स्टार के साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए।